हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी रेसिपी है मिक्स वेज अचार। ये एक ट्रेडिशनल अचार है जो सालों साल तक खराब नहीं होगा। और अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे लाइक बटन को क्लिक करें। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसे हम अचार में यूज़ करेंगे। ये हमने मूली को लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। हमने इसे बहुत पतला भी नहीं काटा है और बहुत मोटा भी नहीं काटा है। ऐसे ही हम गाजर को भी काट लेंगे। हमने लगभग 1 कप गाजर और 1 कप मूली ली है और 1 कप मटर। ये हमने लहसुन की कलियां ली हैं और मिर्च को हमने लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। और ये हमने अदरक लिया है, इसे भी लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। आप अगर और वेजिटेबल्स डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब हम एक बड़े बाउल में मटर डालेंगे और बाकी सारी वेजिटेबल्स भी इसी बाउल में डालेंगे। अब इसे स्पून की हेल्प से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। हमें बहुत ज्यादा नमक भी नहीं डालना है, हमें बाद में भी नमक डालना है, इसलिए हम 1 टीस्पून नमक ही डालेंगे। और फिर इसमें हम हल्दी डालेंगे। हमने लगभग 1 टीस्पून हल्दी ली है। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट्स के बाद हम देखेंगे कि वेजिटेबल्स पूरी पानी छोड़ दी है। और फिर इसे हम एक स्ट्रेनर में छानेंगे। हमने नमक और हल्दी इसलिए डाला था ताकि वेजिटेबल्स के एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे और फिर हम इसे एक प्लेट में डालेंगे। प्लेट में डालने के बाद हम इसे लगभग 1 से 2 घंटे धूप में रखेंगे और 1 घंटे के बाद हम इसके मसाले तैयार करेंगे। ये हमने 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून मेथी दाना, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, सौंफ 1 टेबल स्पून, पीली सरसों 1 टेबल स्पून, आप चाहें तो सरसों की दाल भी ले सकते हैं, 1/2 टेबल स्पून हल्दी। इन मसालों को हम अलग रखेंगे, इन्हें हमें फ्राई नहीं करना है। अब हम एक फ्राइंग पैन में धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी दाना, इन सभी को हम रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पे। हम इसे लगभग 4 से 5 मिनट तक रोस्ट करेंगे। ये अब चटकने लगा है और हल्का हल्का स्मेल भी आने लगी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसमें हम पीली सरसों, हल्दी, ये सब डाल देंगे। अच्छे तरह से मिक्स करेंगे और ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसे हम दरदरा पीस लेंगे। हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है, बिल्कुल दरदरा पीसना है। और जो वेजिटेबल्स हमने धूप में रखी थी वो भी हल्की सूख गई हैं, हमें बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है। इसे एक बड़े बाउल में निकालेंगे और इसमें हम अमचूर पाउडर डालेंगे और इसमें नमक और सारे मसाले डाल देंगे जो हमने पीसे हैं। इन सभी को स्पून की हेल्प से हम मिक्स करेंगे। हमें इसे बहुत ही अच्छे तरह से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले वेजिटेबल्स पे कोट हो जाएं। अब ये बिल्कुल अच्छे तरह से मिक्स हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे तरह से कोट हो गया है वेजिटेबल्स पे।
अब इसे हम एक ग्लास जार में भरेंगे। हमें ग्लास जार ही यूज़ करना है, इसमें अचार बहुत दिनों तक खराब नहीं होते हैं। वेजिटेबल्स भरने के बाद हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। हमें पूरे जार में सरसों का तेल भरना है। अब ये भर चुका है। धीरे धीरे सारे ऑयल अंदर तक चले जाएंगे। अब इसे हम 10 से 20 दिन तक धूप में रखेंगे ताकि हमारे सारे वेजिटेबल्स अच्छी तरह से पक जाएं। विंटर्स में और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। 10 से 20 दिन धूप में रखने से हमारे सारे वेजिटेबल्स अच्छी तरह से पक गए हैं। आप इसे पूरी पराठे के साथ खाएं या किसी भी चीज़ों के साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।